Hello. नमस्कार मित्रों नमो नमः मैं हूँ मुकेश दीवान मित्रों आपका हार्दिक अभिनंदन है नमस्कार मित्र कैला जी आपको ढेरों शुभकामनाएं और आ गई है मित्रों खुशखबरियों की फिर से एक बार बाहर राजस्थान में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से उन सभी के लिए बहुत शानदार कल एक समाचार आया है और वो समाचार आया है परीक्षा की डेट आ चुकी है मित्रों और वो भी किसकी याद रखिएगा कॉलेज लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं जितने भी मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज लेक्चरार काफी समय से वेट कर रहे थे कि कब होगी संस्कृत एजुकेशन संस्कृत कॉलेज लेक्चरार की तारीख कब आएगी कब हम करेंगे संस्कृत की तैयारी फर्स्ट पेपर की जहां एक और तारीख पहले ही आ चुकी थी वहीं पर मित्रों आज तारीख जो है आ चुकी है किसकी परीक्षा की डेट आ चुकी है और 19 तारीख का रविवार है उस दिन और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मई 2024 के दिन आपकी जो अब तक की मेहनत है और आगे अगले पांच महीनों में मैं जो मेहनत आपको करवाने वाला हूं इसी चैनल के माध्यम से और हर हालत में हमें संस्कृत कॉलेज लेक्चरार का पूरा करना है राजस्थान में तो मित्रों दो चीजें ध्यान रखिएगा एक तो खत्म हो गई है इंतजार की घड़ी जी हाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है अब तो किसका समय आ गया है सफलता का बिल्कुल एक टेंशन खत्म हो चुकी है मित्रों कि कब आएगी कॉलेज लेक्चरार की डेट तो वो मित्रों आ चुकी है मित्रों आ चुकी है कॉलेज लेक्चरार की तारीख आ चुकी है परीक्षा की आ चुकी है इसे बार 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 अपने दिमाग में डाल लीजिएगा वो तारीख है 19 मई 2024 फिर से सुन लीजिएगा कॉलेज लेक्चरार की तारीख परीक्षा की तारीख आ चुकी है परीक्षा की कब की है 19 मई 2024 राजस्थान में कॉलेज लेक्चरार में तीन पेपर होते हैं राजस्थान में कॉलेज लेक्चरार में तीन पेपर होते हैं और ये तीन जो पेपर होते हैं इनका इनके प्रथम दो पेपर पहला और दूसरा पेपर संस्कृत का होता है और तीसरा पेपर जीके का होता है संस्कृत कॉलेज लेक्चरार की जो है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है जिसे उसकी राजस्थान में तारीख आ चुकी है एक बड़ी न्यूज ये है सबसे बड़ी कि यह जो तारीख आई है वो है आपकी 19 मई 2024 की और इसीलिए मित्रों आप भी यह ध्यान रखें बहुत अच्छी तरह से कि मेरा हमेशा वाक्य जो है कभी बदलता नहीं क्योंकि मेरा एक ही सपना है मेरा एक ही जुनून है केवल चयन आपका तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक फिर एक स्लोगन ध्यान रख लीजिएगा कि एक बार फिर से अपनी समस्याओं को कह दीजिएगा कि समस्याओं तुमसे बैर नहीं समस्याओं तुमसे बैर नहीं समस्याओं तुमसे बैर नहीं लेकिन विफलताओं अब तुम्हारी खैर नहीं समस्याओं तुमसे बैर नहीं लेकिन एक और भी बात कही है समस्याओं से तो बैर नहीं है मैं क्योंकि सारी जिंदगी भर हमारे सामने हर पल एक समस्या होगी जिसका हमें निवारण करना होगा चाहे वो कहाँ भी कैसा भी व्यक्ति रहा हो उसे समस्याओं का हर दिन हर समय हर पल सामना करना होता है लेकिन अब के विफलताएं जो हैं अब उनकी खैर नहीं है मित्रों क्योंकि अब आपके साथ मैं हूँ मुकेश दीवान और मित्रों इसीलिए मैंने आपका के लिए एक फिक्स प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसका नाम है एप प्लेटफॉर्म बनाए और मित्रों अधिक समस्या तब हो जाती है जब तारीख आ चुकी हो और मन घबराता है जी हाँ तारीख अभी इतनी भी नजदीक नहीं है कि परसों ही एग्जाम है ऐसा भी नहीं है लेकिन इतनी भी दूर नहीं है कि दो साल तक अभी और वेट किया जाए तो मित्रों यहां पर सबसे बड़ी यह है कि 19 पांच चौबीस को ये पेपर होने वाला है कब होने वाला है और किसका असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज लेक्चरर क्या है इसमें खास तो आइए मित्रों एक बार फिर से देख लीजिएगा छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से समझनी होंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की डे दे, जो डेट आई है उसके साथ में और भी सभी विषयों की डेट आ चुकी है और ये जो डेट आई है इससे बच्चा एक बार फिर से घबरा गया है कि आ तो गई है लेकिन पहला पेपर की डेट कब है तो मित्रों उसकी भी डेट आ चुकी है आप ध्यान रखिएगा जनवरी जनवरीवरी मास में ही है और जैसे ही जनवरी मास में इसलिए आराम से जब तक फर्स्ट पेपर नहीं हो सक हो जाता तब तक रोज चैनल पर आप देखते जाए कि कैसे आपको तैयारी करनी है क्योंकि तैयारी तो मैं करवा रहा हूं यहां बस आपको यहां ध्यान रखना है कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा इंतजार तो जो है खत्म होने का क्लियर हो चुका है अब यहां मैं आपको दिखा इससे भी पहले पहले पाठ्यक्रम दिखा देता हूं राजस्थान कॉलेज सेवा आयोग अजमेर के द्वारा एक दिसंबर 2023 अर्थात अर्थ कल नोट प्रेस नोट डाला गया है जिसमें यह रहा चौबीसवें नंबर पर जी हां पंद्रह पांच सॉरी उन्नीस पांच दो हजार चौबीस की यह डेट यहां डली हुई है रविवार है इस दिन इस दिन रविवार है और ना केवल संस्कृत की ही आई है अपेत सभी सब्जेक्ट्स की आ चुकी है जैसा कि हिंदी विषय में मार्च में ही पेपर है अन्य का एक पेपर जो है इकतीस मार्च का है सब्जेक्ट वाइज है फिर 16 मई से शुरू होकर के कंटिन्यू 19 तक चलेंगे फिर 20 तारीख का है 21 का है, 22 का 23 का चौबीस चौबीस के बाद में 28, 29, 30, 31 और लास्ट जो पेपर है वो होम साइंस वालों का विशेष रखा गया है यहाँ तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तारीख आई है इसमें से कोई भी विशेष परिस्थिति रहे इस बार आयोग ने कहा है विशेष रूप से कि परीक्षा तारीख भी निश्चित तो होगी और उसी माह में परिणाम भी आएगा जी हाँ जिस माह में पेपर लिया गया उसी माह में ही उस पेपर का परिणाम भी आ जाएगा अर्थात अब आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा आर ने अपने कड़े निर्देश जो दिए हैं कर्मचारियों को वो साफ शब्दों में दिए हैं कि जिस माह पेपर हो रहा है उसी माह उसका परिणाम जारी होना चाहिए यदि लास्ट वीक में पेपर है तो अगले वीक में उसका परिणाम जारी हो जाना चाहिए और यदि फर्स्ट वीक में है तो लास्ट वीक तक उस, उसका परिणाम जारी हो जाना चाहिए और ये विशेष रूप से न्यूज बहुत बढ़िया है 19. रविवार रविवार है भाई और दिन गिने तो मित्रों आज हो गई है दो तारीख दो दिसंबर और दो दिसंबर दो हजार तेईस इकतीस का महीना है तो अभी हमारे पास दिन कितने हैं तीस तीस दिन तो ये जनवरी में भी तीस नहीं इकतीस फिर हमारे पास 28 दिन जनवरी फरवरी मार्च जनवरी फरवरी मार्च मार्च आते आते फिर 30, मार्च अप्रैल अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मई की उन्नीस तारीख को तो है ही पेपर तो यहां पर एक दस दस और ये नो चार चार और सात सात आठ नौ नौ दस दोबारा बारह पंद्रह पंद्रह और एक सोलह यानी कुल मिलाकर के हमारे पास तैयारी के दिन हैं कितने बहुत हैं बहुत है ये दिन यानी कि हमारे पास दिनों की कमी नहीं है यदि हम प्रतिदिन तीन घंटे भी पढ़ते हैं मान लीजिए हम जो यहां पर मार्च तक ही पढ़ते हैं चलिए चार महीने हो गए मार्च तक तीन घंटे भी पढ़ेंगे मन लगा करके सब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मान लीजिए जनवरी में आपकी जो है पेपर फर्स्ट पेपर है तो इसमें से और कम कर लेते हैं 150 दिन कर लेते हैं 150 दिन और मैं तो ये कहूंगा कि यदि वो महीना निकाल रहे हो दो तो और कम कर लो और कम करवा देता हूं इसमें दिन कम करके फिर चलता हूं ताकि आपको ध्यान रहे मैंने कहा 130 दिन ले लिए मैंने तो अब ले लो तीन घंटे और नो और यानी तीन घंटे भी हम पढ़ते हैं और बाकी का जो शेष समय है हम टेस्ट सीरीज टेस्ट भी तो लेने होंगे यदि हमने तीन घंटे प्रतिदिन टेस्ट भी निकाल लिए तो मैंने तीस घंटे लगा लिए और तीस ही लगाए तो भी मेरे पास समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा दिनों में भी तो समय मिलेगा और कितने आवर दस एक दोबारा यानी 420 आवर में सेलेक्शन क्लियर मैंने जीके का समय निकाल दिया पहले से हटा दिया है इसमें से जीके का टाइम हटा दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि साहब हमें फर्स्ट पेपर में दिक्कत आ रही थी क्योंकि अभी आपके पास उसकी तैयारी का भी समय होना चाहिए लेकिन साथ में आपका जो दो पेपर है फर्स्ट पेपर एवं सेकंड पेपर फ, प्रथम पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों ही पेपर संस्कृत के हैं और संस्कृत के पढ़ाने में सभी बहुत अच्छे टीचर होते हैं और यह भी ध्यान रखिएगा पढ़ने में उससे भी बढ़िया टीचर होते हैं जो बैठे होते हैं तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन प्रश्न ये है कि जो परीक्षक है वो कहीं ना कहीं हमसे भी बेटर टीचर होता है इसलिए जो वो प्रश्न बनाता है वो प्रश्न तो कोई भी तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि पेपर ना हो जाए लेकिन उसके उस दिमाग तक हम पहुंच सकते हैं बिल्कुल टेस्ट सीरीज में मैं यहां उस दिमाग तक पहुंच जाएंगे जिस पर हमारा सारा सारा वजूद रखा होगा और इसी टेस्ट सीरीज के लिए मैं यहां से ले आया हूं आपके लिए टेस्ट सीरीज भी जहां एक और सिलेबस शुरू होगा यहां मैंने लास्ट आज यहीं रखा है देखो संस्कृत का एक बहुत बड़ा नेट पच्चीस कोड पच्चीस तिहत्तर कोड स्लेट और कॉलेज लेक्चरार के दोनों पेपर पहला और दोनों सेकंड पेपर दोनों पेपर दोनों पेपरों को मैंने यहां रखा है दोनों पेपरों को मैंने यहां रखा है देखिए ये देखिए ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा देखो दिखाई दे रहे हैं मैंने यहां साफ शब्दों में नहीं दिखाई दे रहा मैं और इसको क्लियर कर देता हूं साफ यहां से करके देखिए मैंने यहां साफ शब्दों में लिखा है कि आपका अब टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है कॉलेज लेक्चर यानी कि आप ऐप पे जाएंगे आपको टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे कॉलेज लेक्चरार की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मित्रों याद रखिएगा जो बच्चे इस समय फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना कर रहे हैं जो बच्चे इस समय सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं यदि मेरे साथ इसी में कॉलेज लेक्चरार की में रोज क्लास लेते हैं इस चैनल से तो मित्रों उन्हें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस अच्छी तरह से पता है कि वहां पर क्या है और क्या नहीं है राजस्थान में तो याद रखिएगा और इस बार जो है राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सभी बच्चे प्रश्न पेपर देख चुके हैं कि पेपर बिल्कुल ही बदल दिया है ऐसी स्थिति में कॉलेज लेक्चरर का ये जो मैं पाठ्यक्रम शुरू कर चुका हूँ जरा सा मेरा यूट्यूब पे क्लासे नीचे देखिएगा मैंने पेपर भी सोल्व करवा रखे हैं और इसीलिए फटाफट सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए सब्सक्राइब करना अभी शुरू करो अभी जो भी क्लास जिस समय भी देखो तुरंत सब्सक्राइब करो क्योंकि आपको तभी नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने आज टेस्ट क्या पढ़ाने वाला हूं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कौन सी चीजें बताने वाला हूं क्योंकि कॉलेज लेक्चरार तारीख आ चुकी है और इसीलिए टेस्ट सीरीज भी शुरू होना जरूरी है जहां एक और नेट पच्चीस सौ तिहत्तर कोड की टेस्ट चल रही है स्लेट की चल रही है वहीं पर कॉलेज लेक्चरर की भी अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की भी राजस्थान के संस्कृत की दोनों पेपरों की टेस्ट सीरीज अब आपके इसी चैनल पे है इसीलिए तुरंत सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को जो कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली अधीनस्थ की तैयारी कर रहे हैं यूपी की तैयारी कर रहे हैं एमपी की कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं उन्हें भी तुरंत शेयर कर दो जितना जल्दी हो सके क्योंकि मित्रों याद रखिएगा हम संस्कृत वाले हैं बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाते हैं बहुत सोच समझ के क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है पाने के लिए सब कुछ है जहां पड़ा है पाने के लिए और ऐसी स्थिति में हम कल पे वेट नहीं कर सकते कल का वेट नहीं कर सकते और कल का वेट नहीं करें इसलिए अभी सब्सक्राइब करना है चैनल को अभी शेयर करना है कमेंट्स बॉक्स में तुरंत अपनी बात कहनी है लगातार जुड़ना है मुझे फटाफट सब्सक्राइब करके दिखाओ और ध्यान रखिएगा कॉलेज लेक्चरर के दोनों पेपरों की टेस्ट सीरीज सिलेबस तो पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगा सिलेबस तो पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा टेस्ट सीरीज और शुरू करूंगा क्योंकि ये जब तक आप लोग जब तक आप लोग फर्स्ट पेपर देके हटेंगे तब तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉलेज लेक्चरार में यूं तैयारी करनी है और आगे कदम बढ़ाना है जैसे ही आपका फर्स्ट पेपर फिनिश हो उसके साथ और स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि आपकी स्पीड तब होगी जब आप आज ही जाग जाएं। आज जागो तभी शाम ढलेगी यदि आज ही नहीं जागे तो शाम भी नहीं होनी और दिन भी नहीं होना जीतने के मूल मंत्र होते हैं समस्याएं आ रही हैं उन्हें वेलकम कहो समस्याएं आ रही हैं, वेलकम कहो जो लोग ये मानते हैं कि समस्या ना आए तो मैं पता नहीं क्या कर देता तो मेरा उन्हें एक बहुत बड़ा सजेशन है कि जिस दिन वो ये कह देंगे अपने आप से कि समस्याएं वेलकम लेकिन याद रहिए अब विफलताओं के लिए कभी वेलकम मत कीजिएगा क्यों क्योंकि याद रखिएगा समस्याएं उन्हें आती हैं जिनके पास समाधान होते हैं जिनके पास समाधान होते हैं उन्हें समस्याएं आती हैं ईश्वर उन्हें ही समा समस्याएं देता है जिनके पास समाधान होते हैं इसका मतलब जो समस्या आई है उसको केवल आप ही उससे खत्म कर सकते हैं सरल कर सकते हैं समाधान कर सकते हैं इसलिए मित्रों कॉलेज लेक्चरार के दोनों पेपरों की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपरों की टेस्ट सीरीज भी अब आपके इसी चैनल सुफलाम स्पेलिंग पे मिस्टेक मत कीजिएगा और लोगों भी देख लीजिएगा और मित्रों जितना जल्दी हो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐप डाउन डाउनलोड कर लीजिएगा जितना जल्दी हो ऐप डाउनलोड करो जितना अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतना ही आपका सब्सक्राइब एक बार करना होगा मेरी क्लासें हर रोज मिलनी है यानी कि आज जो पढ़ाऊंगा उससे पहले आपको पता हो जाएगा कि कल मुझे इस समय ये पढ़ना है आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे यहाँ आप लोगों को ई नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर जो है क्लासे भी मिलेंगी आपको लाइव क्लासे भी मिलेंगी सारी चीजें उपस्थित हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मैंने फिर कहा ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना किसी भी हालत में बस इतना ही करना है जब खुद के कोई समझ में ना आए तो किसी और की भी मान लेना चाहिए हो सकता है सामने वाला आपके रास्ते निकालने के लिए ही आया हो तो मित्रों एक बार फिर से और इसी के साथ में मित्रों ध्यान रखिएगा जो बालक जो मित्र अन्य से अन्य से भी है मैं उस पर भी फोकस कर दू देखिए ऐसा नहीं कि मैंने केवल कॉलेज लेक्चर के लिए यहां दे रखा है मैंने मित्रों इस चीज में ध्यान रखा कि जो बच्चे जो बच्चे संस्कृत में सी टेट दे रहे हैं यूपी टैट दे रहे हैं एम पी दे रहे हैं एस दे रहे हैं उनके लिए भी यहां टेस्ट पर टेस्ट सीरीज है ऐप पर ऐप पर टेस्ट सीरीज है ध्यान रखिएगा मित्रों इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें और डाउनलोड करके तुरंत मुझे आवाज करा दें कि आप आ चुके हैं मेरे साथ क्योंकि मेरे ही कहने पर काम नहीं होगा जब तक आप तैयार नहीं होंगे जो बालक अभी तक संस्कृत में असहज अपने आप को रीट में महसूस कर रहे थे उन बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों की मिलेगी अब यहां आपको आ जाइएगा जो बच्चे इस समय सेकंड ग्रेड एकलव्य दिल्ली यूपी की और एमपी की सेकंड ग्रेड एस आर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी यहां टेस्ट सीरीज है बस आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना होगा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना फर्स्ट ग्रेड में भी फर्स्ट ग्रेड एकल फर्स्ट ग्रेड दिल्ली अधीनस्थ पीजीटी यूपी पीजीटी और एमपी पीजीटी की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध और अब आपका सबसे बड़ा गोल सबसे बड़ा गोल इस समय प्रेजेंट आज की तारीख में बात करूं तो आज की तारीख में सबसे बड़ा गोल है कॉलेज लेक्चरार नेट जिन बच्चों की अभी तक नेट नहीं हुई है नेट भर रहे हैं फार्म भर चुके हैं उनके लिए अभी दिसंबर में पेपर है उसकी टेस्ट उपलब्ध और यह आपको बहुत शानदार मौका मिलेगा और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही पेपर होगा उसके तुरंत बाद यानी कि हमारा मई में पेपर है और जून में फिर नेट का एग्ज़ाम होता है तो लगातार जुड़े रहने का फायदा यही होना है कि आपको कॉलेज लेक्चरार में ना नेट रोक पाएगी ना ही आपको कोई स्लेट रोक पाएगी जिन बच्चों का अभी तक नेट या स्लेट केवल लगाया है अभी तक पेपर नहीं दिया है वो पेपर भी दे सकते हैं और जब तक प, याद रखिएगा जिन बच्चों ने अभी तक नेट का दिसंबर का पेपर नहीं लगाया था फारा ही नहीं लगाया उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन होना है कि जब तक परिणाम आएगा तब तक नेट हो जानी चाहिए यह ऑप्शन दिया हुआ है और याद कीजिएगा कि मई में तो है पेपर किसका कॉलेज लेक्चरार का और जून में आ जाए जून में पेपर हो जाएगा किसका किसका हो जाएगा नेट का और कम से कम जिस समय इसका रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक यानी कि आपको पोस्टिंग तक आपको पोस्टिंग होगी तब तक की बात कह रहा हूं रिजल्ट तो आ जाएगा पहले ही लेकिन जो फाइनल पोस्टिंग तक पोस्टिंग होने तक आपको नेट होनी जरूरी है तो वो भी कर चुके होंगे उस, उस समय तक तो ऐसी कोई गलती ना करते हुए तुरंत अभी इसी वक्त इसी समय इसी पल इसी घड़ी इसी लम्हा इसी आंखों की पलकों के आगे तुरंत सब्सक्राइब कर ले चैनल को शेयर करें चैनल को और ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें जहां स्पेलिंग में आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये लोगो बना हुआ है उस पर यह आपको ध्यान रखना होगा और मित्रों मैं मुकेश दीवान आपके साथ आपसे अधिक आपसे एक कदम आगे मेहनत आपके साथ तैयार रहता हुआ प्रतिदिन आपके लिए उपस्थित इस चैनल के माध्यम से इस क्लास के माध्यम से और हर दिन आपकी समस्या पर अपडेट तैयार रहिएगा अब तक यदि किसी से शिकायत है आपकी किसी भी अध्यापक से तो याद रखिएगा मैं ऐसी कोई शिकायतें नहीं रखता लेकिन याद रखिएगा यदि वो शिकायतें समय सब्जेक्ट से संबंधित हैं मैं उन्हीं की ही सुनाई करता हूं भाई सब्जेक्ट से संबंधित होगी मैं तुरंत जवाब दूंगा सब्जेक्ट से संबंधित नहीं होगी सीधा सा है मेरा एक तो याद रखिएगा थोड़ा सा और मित्रों जीतना तो हर हालत में है कोई चाहे कुछ भी कहे इस बार बस संस्कृत वालों एक ही चीज मेरा ध्यान कर लीजिएगा कि आज अभी इस समय जो भी समस्या है उस पर हंसिएगा जो भी समस्या है जो भी प्रॉब्लम है जो भी दुख है उसमें जम के हंसीएगा और कहिएगा उससे कि तेरे से मेरा कोई बैर नहीं लेकिन ये विफलताओं की अब खैर नहीं ना सुनने, ना सुनने की आदत डाल लीजिएगा ना सुनने की आदत डाल लीजिएगा और उस ना को हा में बदलने की कोशिश कीजिएगा और याद ध्यान रखिए ना किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं इस मन की ना इस मन की ना को सुनने की आदत डालो और ब्रेन से कहो कि अब ये हाँ करके दिखाता हूं देख इसको जब ये लगे ना कि सब मैं हार रहा हूं तो दिमाग कहता है हार कहाँ रहा है मेहनत की है मैंने मेहनत की है मैंने हार कैसे जाऊंगा और मेहनत आगे भी कर रहा हूं तो मित्रों इसी ढेरों शुभकामनाओं के साथ इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना होगा चैनल को शेयर करना होगा और ऐप को तुरंत डाउनलोड करना होगा और ऐप के लिए ऐप के लिए बैग में चलता हूं ऐप पे देखिए ध्यान कर लीजिएगा मेरा नाम है दीवान सर मुकेश दीवान मेरा नाम है मित्रों मेरे जो फोन नंबर हैं डबल नाइन टू एट ट्रिपल फाइव वन डबल जीरो डबल नाइन टू एट ट्रिपल फाइव वन डबल जीरो डबल नाइन टू एट ट्रिपल फाइव वन डबल जीरो ये नंबर आपके लिए चौबीस घंटे खुले रहेंगे बस ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो भी समस्या है वो आपके कैरियर से संबंधित होनी चाहिए यदि आपको वहां डर भी लग रहा है उसका भी सॉल्यूशन होगा लेकिन आपके कैरियर से संबंधित होनी चाहिए पर्सनल समस्याओं से नहीं मैं उनका हर हालत में जहां तक बस बस पड़ेगा मैं हर हालत में सॉल्यूशन करूंगा मित्रों लेकिन इस बार मेरा एक ही जुनून केवल चैन आपका जय हिंद